Hello students. Well, in today's lesson we are going to look at grammar. और grammar में हम लोग क्या सीखने वाले हैं ऐसी class में? तो well, हम लोग nouns के बारे में सीखने वाले हैं. Noun मतलब क्या हुआ? तो well, किसी भी person, place या things के नाम को हम क्या कहते हैं? Noun कहते हैं. और जो general नाम होते हैं, जो कि सभी आदमी पर apply होता है, सभी जगह पर apply होता है, सभी चीज़ों पर apply होता है, उसे हम common noun कहते हैं. जैसे कि dog. डॉग मतलब क्या हो गया? दुनिया का सब कुत्ता जो है वो डॉग है, राइट? तो टॉमी है या फिर टॉबी है, कोई भी नाम है, फर्क नहीं पड़ता है. डॉग अगर है तो मतलब कॉमन हो गया वो. सिटी, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जो भी हो, क्या है वो? सिटी है. तो ये सारे क्या हो गए? कॉमन नाउंस हो गए. वही जब किसी खास जगह का, खास आदमी का, खास जो है चीज़ का नाम हो, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. जैसे आपका नाम है ना, न्यू दिल्ली है ना, तो न्यू दिल्ली क्या हो गया? एक खास जगह का नाम है. मुंबई एक खास जगह का नाम है. टॉबी एक खास कुत्ते का नाम होगा, राइट? आपका नाम एक खास आदमी का नाम है कि नहीं? वेरी गुड. तो आप लोग जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ गए. अब यहाँ पर क्या करना है कि इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इन सेंटेंसेस को पढ़ के आपको बताना है कि इनमें जो नाउन्स हैं वो जो है कॉमन नाउन है या फिर जो है वो प्रॉपर नाउन्स हैं. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. सो माउंट एवरेस्ट नाम हो गया, माउंटेन नाम हो गया. अब इन दोनों में से जो है ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? तो दुनिया में कितना सारा माउंट एवरेस्ट जानते हो आप? नहीं, एक ही है ना? तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. और माउंटेन, वेल दुनिया में तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, राइट? ये हो गया कॉमन नाम है, तो कॉमन नाउन लिख दोगे. ऐसे ही रीटा इज अ वेरी क्लेवर गर्ल. तो रीटा एक खास लड़की का नाम हो गया, राइट? तो क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन. और गर्ल, तो वेल गर्ल तो सारी गर्ल्स हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन. और इस तरह से आप बाकी के फोर सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करिएगा. गिव इट अ ट्राई. Now let us look at another activity जहाँ पर कि हम एक और noun के बारे में सीखेंगे. पता है कौन सा? ये बीच वाला जो था ना, collective noun, इसके बारे में. तो देखो collective noun क्या होता है? तो collective noun जो है वो कह सकते हो कि किसी भी group, चाहे person, animals या चीज़ों के similar type के persons, animals या चीज़ों के group का जो नाम होता है उसे collective noun कहते हैं. जैसे family, फैमिली का मतलब क्या हो गया? फैमिली में जितने भी लोग हैं सब इसमें शामिल है ना, तो ये क्या हो गया? फैमिली कलेक्टिव नाउन, बंच ऑफ पीपल, राइट? तो बंच भी क्या हो गया? ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया. फ्लीट, टीम, कमिटी, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है, जिसमें कि एक जैसे टाइप के जो है बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं. जैसे कि अ पैक ऑफ वोल्व्स, भेड़ियों का झुंड हो गया. अ हर्ड ऑफ एनिमल एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड हो गया. अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का जो है पैकेट हो गया, ये भी कलेक्टिव नाउन है. अ हर्ड ऑफ काउज, गाय का झुंड हो गया, राइट? तो और कुछ फ्रीक्वेंटली यूज कलेक्टिव नाउन्स क्या हैं? जैसे अ टीम ऑफ क्रिकेटर्स, खिलाड़ियों की टीम. अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. अ स्वार्म ऑफ बीज. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर जो है अ टीम, अ लाइब्रेरी, अ स्वार्म, अ क्लास, ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं. ओके, नाउ वी हैव गॉट दिस स्मॉल पैराग्राफ. और यहाँ पर आपको क्या करना है? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को ढूंढ ढूंढ के लिखना है. टॉम वॉज प्लेइंग विद हिज आर्मी ऑफ टॉय सोल्जर्स व्हेन हिज डॉग डस्टर रैन इन. टॉम यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. आर्मी ऑफ टॉय सोल्जर्स, गेस करो, यस इट्स कलेक्टिव नाउन. व्हेन हिज डॉग, डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन. डस्टर, ये तो खास डॉग का नाम हो गया ना, तो ये क्या हो गया फिर? प्रॉपर नाउन. तो ऐसे ही आप बाकी को भी पढ़ के इसमें से भी चुन लीजिएगा, राइट? एंड नाउ यू हैव गॉट अनदर एक्टिविटी. यहाँ पर जो है आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने गए थे और वहाँ पर जो है आपने डिफरेंट चीज़ों को देखा. अब उनके लिए जो है आपको कलेक्टिव नाउन यूज करना है. तो वेल गिव इट अ ट्राई, राइट? अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स,
और इस तरीके से जो है आप आगे भी बढ़ते जाइएगा. लेट अस सी हाउ यू हैंडल दिस. ओके, बाय बाय.